नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्टर की क्लास के लिए आगे, वो क्या है? फूड्स। फूड्स में क्या पढ़ रहे हैं आज हम? गति के नियम। ठीक है, किसके नियम? गति के, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये मोशन के लॉ दिए किसने थे? मोशन के लॉ यानी गति के नियम। गति के नियम ये दिए किसने थे? हम जानते हैं लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन। कौन? न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो गति के नियम हैं क्या? गति के नियम तीन दिए थे इन्होंने। ठीक है, कितने नियम? तीन नियम दिए थे। तो नियम शुरू करने से पहले एक बात पर चर्चा कर लेते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? किसे कहते हैं हम इनर्शिया? इनर्शिया अगर हिंदी में कहें तो इनर्शिया का मतलब जड़त्व। ठीक है, जड़त्व होता क्या है? हरेक वस्तु की या फिर हरेक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी किस चीज की होती है? कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे। ठीक है, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहे, मोशन में है या फिर गति कर रही है तो गति में रहे। तो जड़त्व क्या करता है? जड़त्व उसी चीज को डिफाइन करता है। हम इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी या फिर टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन मतलब अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स पोजिशन। ठीक है, अपनी पोजीशन को रिटेन रखना, यानी कि गति में है मोशन कर रही है तो मोशन में, रुकी हुई है तो रुकी हुई। ठीक है, यह इनर्शिया। ये इनर्शिया इसलिए पढ़ाया क्योंकि पहला लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? पहला नियम जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था वो क्या था? जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया पहला नियम है। लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? आपने इसके बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि अगर आप बस में बैठे हुए हो, अचानक से बस स्टार्ट हो गई, चलने लगी, तो आप पीछे के लिए जाते हो, या फिर चलती हुई बस पे अचानक से ब्रेक लगे तो आप आगे के लिए गिरते हो। बैंड अगर बस कर्व ले रही है, शार्प टर्न है, तो आप एक साइड के दूसरी साइड के लिए गिर जाते हो। गिर जाते का मीन्स उस तरफ के लिए बैंड हो जाते हो। वो सब किस में आता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया का, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। सेकेंड इन्होंने कहा था, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन। मोशन, यहां तक की लाइन क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर कोई बॉडी अगर गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो मोशन में रहेगी। कब तक? अनटिल। इस चीज का ध्यान रखो, अनटिल यानी कब तक? Until an external force not applied on it, जब तक कोई external force apply नहीं किया जाता है, तब तक क्या होगा? तब तक वो body अपनी ही अवस्था में रहेगी। A body is in rest, it remain in rest. A body is in motion, it always remain in motion. Until an external force not applied on it, जब तक कोई external force apply नहीं किया जाता। Clear? अब देखिए, जो inertia है, inertia किस पे depend करता है?
इनर्शिया डिपेंड करता है आपके मास पे, ठीक है। मास यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्लास 11th का है वैसे, ठीक है। वहां रेडियस ऑफ गायरेशन आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूं कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है आपके मास पे, ये ध्यान रखना। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, एक छोटा सा पत्थर ले लो और एक बहुत बड़ा पत्थर ले लो, दोनों में से किसको आसानी से आप धकेल सकते हो, जिसका मास कम हो, ठीक है। या फिर एक टॉय कार ले लो, ठीक है, एक ओरिजिनल, ठीक है, टॉय कार लो चाहे ओरिजिनल कार लो। अब एक बात बताइए, आप अगर इनमें दोनों को धकेलना चाहो तो ये तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा। विच मीन्स इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये पहला लॉ था न्यूटन का, क्या बोलते इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। पहले नियम के बहुत से उदाहरण हैं आपके पास इनर्शिया के, जैसे आप घरों में वो भी करते हो, शीट है अगर, डोरमेट या कुछ भी है, उसे टांग के उसे आप स्टिक से पीटते हो, लट्ठे से पीटते हो, तो क्या होता है, सारी डस्ट नीचे गिरती है इनर्शिया के कारण। आपको पेड़ से कोई फल तोड़ना है तो आप पेड़ की साख को हिलाते हो, ब्रांच को क्या करते हो, आप हिलाते हो, तो जिससे क्या होता है, जो फल या पत्तियां हैं वो तो इनर्शिया के कारण अपनी पोजिशन रिटेन करती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सेक करवाते हो उसे तो क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। वो सब किसका है, इसी का है। एक क्वाइन का भी है, आप ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड के ऊपर क्वाइन रखो, आप जैसे सडनली कार्डबोर्ड हटाते हो तो वो क्वाइन ग्लास में गिर जाता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हुए इनर्शिया पे, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं इनर्शिया की, आप देख लीजिएगा। अब सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ से पहले शुरू करते हैं, हम एक बार जान लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, अब आप ये सोच लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पत्थर बड़ी तेजी से आ रहा है, ठीक है, एक बड़ा पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस पत्थर को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता होगा उस समय, जो उसकी वेलोसिटी पे और उस पे मास पे, इन दोनों पे करेगा। कितना बड़ा पत्थर है, कितनी तेज गति से आ रहा है, जितना तेज वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमें जितना बड़ा पत्थर है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, और जितनी तेज वेलोसिटी से आ रहा होगा या फिर जितनी तेज गति से आ रहा होगा उसको उतना ज्यादा बल लगा के रोकना पड़ेगा। तो यहीं से जब न्यूटन ने ये दो चीजें देखी तो उसने एक नए टर्म का इजाद किया, उसे कहा उसने मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है, संवेग। उसने कहा कि जो मोमेंटम होता है वो सीधे सीधे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के गुणनफल के योग के गुणनफल के बराबर क्या आता है, मोमेंटम, संवेग आता है। अब देखिए, क्योंकि बल की दिशा होती है, ठीक है, वेलोसिटी का है तो इसकी दिशा होगी तो इसकी भी दिशा होगी, ठीक है, ये क्या है, संवेग है, इसका ध्यान रखिएगा। मास नहीं आता है, मास का कोई दिशा ही नहीं होती है, ठीक है। मास को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, व्हाट इज मास, मास इज द ऑल कंस्टिट्यूएंट कंसिस्टिंग अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी को जिन जिन चीजों से मिलकर बनाया हुआ है उन सबको ले लेंगे तो मास है, ठीक है। मोमेंटम क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, कि मोमेंटम का यूज क्या है सेकेंड लॉ में। जो सेकेंड लॉ है द्वितीय नियम, उसमें यह है कि किसी भी बॉडी पे जब भी फोर्स लगता है, बल लगता है, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग बदलने की दर के बराबर होता है। जहां पे भी दर या रेट आता है तो वहां पे टाइम आता है कि किस टाइम में कितना बदल रहा है उसका मोमेंटम, क्लियर। इसको आगे सॉल्व कर लो, डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब एक पत्थर था या फिर एक गाड़ी थी, आपने फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है उसकी,
अरे फाइनल पोजिशन है, यहां से फोर्स लगाना शुरू किया, कुछ दूर तक चली गई वो, ठीक है। तो उस केस में उसका मोमेंटम कितना बदला, संवेग में क्या परिवर्तन है, तो ये आता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल बटे लगा हुआ समय दर। तो फाइनल क्या होगा, वस्तु वही थी तो मास उतना ही होगा, वी माइनस एम यू बटे टी, तो कितना हो गया एम वी माइनस यू बटे टी। अच्छा ये किसका सूत्र है, पहले नियम से निकालेंगे तो एक्सीलरेशन का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे तो एक्सीलरेशन का है वो, त्वरण का, एफ बराबर एम ए। ये दूसरा नियम है कि जब भी किसी भी वस्तु पे बल लगता है तो वो उसके क्या होते, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब बल लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ। अच्छा सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं, सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, सेकंड लॉ के एग्जांपल में आता है आपका, जब भी कोई क्रिकेटर कोई बॉल कैच करता है, ठीक है, कोई बॉल कैच करता है तो अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों, क्योंकि वो जो बॉल आ रही है उस, अगर सीधे हाथ रखेगा वो तो बॉल सीधे उसके हाथ पे लगेगी, स्ट्राइक करेगी, और जितनी स्पीड से आ रही थी और जितना उसका मास है वो सीधे हिट करेगी और इंजर्ड कर देगी। जो क्रिकेटर हाथ पीछे खींचता है तो क्या करता है, उसके संवेग को कम कर रहा है, पकड़ के उसको पीछे खींचेगा तो पीछे खींचना मतलब दर्द कम होगा, ठीक है। ये क्या है, उसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है, अभी आपने देखा था अपॉन मास, ठीक है, एक्सीलरेशन त्वरण वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद कर्मानुपाती, एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज देखिए, अगर कोई आपकी 1000 किलो की वस्तु है, 1000 केजी, और एक है आपके पास 10^-3 केजी, ठीक है, चलो ये ज्यादा हो गया, 10 ग्राम ले लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, पहली चीज, दूसरा एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। तो एक चीज देख लीजिए, जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा। एक चीज देखिए, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो जिसका मास कम होगा उसका उतना तेज वेलोसिटी होगी, मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा। एग्जाम्पल, ये बुलेट है गोली और ये हाथी, ठीक है, हाथी अगर दौड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा, ठीक है। ये कितना दौड़ती है बुलेट, बुलेट 400 से 500 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से दौड़ सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यानी कि आप देख लीजिए, एक ट्रक और एक छोटी सी कार में अगर दोनों को एक्सीलरेट करते हैं तो कार जल्दी भाग जाएगी बजाय की ट्रक के, ठीक है। ये सब किस में है, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। चलिए थर्ड करते हैं, थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं कि अगर आप किसी वस्तु पे धक्का मार रहे हो तो वो वस्तु आप पे उतना ही वापस मार रही होगी फोर्स, जितना आप मार रहे हो, ठीक है। अगर आपका फोर्स उस पे मारने का ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु मूव करेगी अन्यथा नहीं करेगी। जैसे मैं, अगर मैं इस दीवार पे धक्का मारूं, दबाऊं, तो ये दीवार कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उतना फोर्स नहीं लगा सकता जितने में दीवार हिल जाए। तो क्या हो रहा है, दीवार पे लगा हुआ मेरा बल, ये मेरा फोर्स उतना ही है जितना दीवार मुझ पे लगा रही है, ठीक है। ये हुआ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया में कि आप जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा,
और देखना है तो आप ये देख सकते हो, चलते फिरते अगर किसी को आप चाटा मार दोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी कुछ, ठीक है। वो क्या होगा, आपने क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया, यानी कि आपने एक्शन किया उसके बाद उसका रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। वो क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे क्या क्या होता है देखिए, इसके बहुत से एग्जाम्पल है। आदमी चलता कैसे है, वॉक, ठीक है, स्विम, गन फायर, फायर में रिक्वायल भी बोलते हैं, रिक्वायलिंग ऑफ गन, ठीक है, रॉकेट, रॉकेट प्रपल्सन है, बलून, ठीक है। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। कैसे देखिए, आप जब भी, जैसे हम इंसान चलता है, चलने की प्रक्रिया को समझा देता हूं। एक्शन रिएक्शन क्या है, आप जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, यानी कि किसी वस्तु पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था कि ये नीचे के लिए क्या करता है, ग्रेविटी उसको खींचती है, तो इसको बैलेंस कौन करता है, नॉर्मल। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन का बल, ठीक है। मैंने इस पे धक्का मारा, फोर्स अप्लाई किया, ये तब तक हिलेगा नहीं जब तक, अगर ये 1000 किलो का है तो मैं तो कभी धक्का नहीं मार सकता, ठीक है, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसके अकॉर्डिंग इससे ज्यादा फोर्स ना लगा सकूं, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा, फ्रिक्शन। जब तक मैं फ्रिक्शन के फोर्स को, घर्षण के बल को ना कम करवा दूं, तब तक मैं इसे हिला नहीं सकता। उसको कम करवाने के लिए क्या करते हैं, टायर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज थी, मैं आपको हाउ अ मैन वॉक, इंसान कैसे चलता है, उसके लिए आपको, आपने वेक्टर पढ़ा होगा कभी, उसको देख लेंगे। देखिए, जब भी कोई इंसान सिंपल जमीन में चलता है तो क्या करता है, अगर ये सिंपल खड़ा है तो दो बल काम कर रहे होंगे, एक तो mg जो उसके शरीर को नीचे के लिए, जो मेरा शरीर है पांव पे पूरा वेट उसका होगा, और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसीलिए हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पे नहीं, यहां पे लगता है, इसे बताने के लिए, फिगर बताने के लिए, ठीक है, यहां पे लगता है। लेकिन जब इंसान चलता है तो चलने में क्या होता है, वो फोर्स यहां के लिए लगाता है, फोर्स वहां के लिए लगाता है, ये ध्यान रखिएगा। वेट तो उसका यही है mg, वेट तो हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन जो बल लगा रहा है वो कहां के लिए लगा रहा है, पीछे के लिए। तो उस बल की प्रतिक्रिया में अर्थ हम पे आगे के लिए फोर्स लगा रही है, ठीक है, उस फोर्स की प्रतिक्रिया में हम पे आगे के लिए फोर्स लग रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये ध्यान रखिएगा, ये कब होता है, जब ये जमीन हार्ड हो, जब ये जमीन हार्ड हो और इसमें क्या मौजूद हो, फ्रिक्शन मौजूद हो, ये दोनों कंडीशन तब है। हम जितना बल यहां लगाएंगे उतना ही बल हमें अर्थ वापिस लगाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये जगह जहां पे खड़ा है ये बर्फ है, यानी कि स्लिपरी है, फिसलन वाली है, या फिर रेत है, तो क्या होता है, रेत में या फिर बर्फ में चलना मुश्किल क्यों होता है। देखिए, जब बर्फ की बात आती है तो ये जगह में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम। हम जैसे ही धक्का मारते हैं पैर से, हमारा पैर पीछे के लिए स्लिप हो जाता है, ठीक है। हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जमीन पे पकड़ चाहिए, पैर वो पकड़ नहीं बना पाता, जिसके कारण हम यहां बल नहीं लगा पाते, वो बल कहां चला जाता है, यहां पीछे के लिए चला जाता है और हम गिर जाते हैं, ठीक है, इसलिए आदमी चल नहीं पाता। दूसरी चीज है रेत में, अगर मैंने रेत में बल लगाया, रेत में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो रेत क्या होती है, नीचे के लिए धस जाती है, तो हमारा पैर अंदर के लिए चला जाता है, जिस कारण हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन उतनी गति से नहीं बढ़ पाते जितना हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का तीसरा नियम, उस पर समझा रहा हूं। रिक्वायलिंग ऑफ गन, यानी कि जब बंदूक से गोली निकलती है तब क्या होता है, बंदूक पीछे के लिए आती है, क्यों, माना गया गन है, ठीक है, इससे गोली निकली, तो जब गोली आगे के लिए जाती है तो ये पीछे के लिए आती है, यहां पे क्या होता है, संवेग संरक्षण, ठीक है। अब आगे पढ़ोगे आप संवेग संरक्षण, लेकिन ये अभी क्या है, ये हो गया एक्शन और ये उसका रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और उसका
रिएक्शन। आई होप कि लॉज ऑफ मोशन आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।